हैं यूनिवर्सिटी, मतलब ये मेरठ यूनिवर्सिटी है, कह लो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसको एक्सप्लोर करते हैं। मुझे काफी सारी भीड़ सी लग रही है। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want to सोफे पे लेट मार रहा हूँ और एडिटिंग कर रहा था अपनी अनाज का ब्लॉग पब्लिक करा है। अब यहाँ का जो काम है वो हो जाए, काम वाम नहाने के बाद फिर पापा निकलेंगे उनके साथ में, मैं भी चलता हूँ पुलिन शहर, क्योंकि मेरठ मेरा मतलब इसी चक्कर में आना रहता है। मैंने कि खाली बैठे कुछ नहीं, चलो आज का ब्लॉग शूट करते हैं। और वैसे ही भाई ये होने वाला हमारा मतलब घूमने घामने का और बुलंद शहर का आखिरी ब्लॉग, क्योंकि कल या परसों में मैं निकल रहा हूँ वापस अपना मतलब हॉस्टल के लिए कुछ दिन, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम की वजह से हॉस्टल जाना है। तो लेट्स सी। एंड अभी लाल भाई खाना वाना खा लिया मैंने, ये बैग वैग था ये पैक कर दिया। एंड अभी यहाँ कैबिन में बैठा हुआ था, मैं यहाँ से उठता हूँ और यहाँ से गाड़ी में सामान डालता हूँ सारा, और आज चलते हैं यूनिवर्सिटी, मतलब ये मेरठ यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसको एक्सप्लोर करते हैं चल के सीन क्या है। पहले इन्हें उठाते हैं, इन्हें डालते हैं, फिर चलते हैं। डिपार्टमेंट में तो भाई साहब वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा विकट ठंड हो रखी थी यार, मुझे लग रही थी वो 8-8, लेकिन बाहर एटलीस्ट धूप निकल रही है तो थोड़ी सी गर्मी है। खैर अभी सामान में रख दिया गाड़ी में, अभी मास्क लेते हैं एंड मास्क लगा के चलते हैं यूनिवर्सिटी में, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। वैसे तो भाई मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, यहाँ है क्या क्या, मतलब यार मैं कभी कभी आता हूँ तो बस थोड़ा बहुत पता कि सामने ये स्टेडियम है, एंड देन एटमोसफेयर तो यहाँ अच्छा है, बहुत स्टूडेंट्स हैं। खैर अभी चलते हैं, देखते हैं कुछ खा पी के भी आते हैं बाहर चल के यूनिवर्सिटी के, लेट्स गो। आजकल चल रहा है वैसे कोविड का टाइम, तो मास्क वास्क तो लगा के चलना ही चाहिए। खैर मास्क वास्क लगा लिया, गाड़ी लॉक कर दिया, एंड अपन थोड़ा एक्सप्लोर करने चल रहे हैं। तो दिख रहा ना ये तो कोई दारा सिंह स्टेडियम है, कुश्ती स्टेडियम। यहाँ है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और एक डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। सही है भाई, सही 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 ने। यहाँ पर भी आंसर बुक सेक्शन वगैरह, मतलब शायद एग्जाम डिपार्टमेंट वगैरह है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम की लाइब्रेरी भी, वाह। मैं पता बता दूं ये वही राजा है जिनके नाम पर अलीगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। यहाँ पर इस टाइप से भी कुछ है लाइक इनके नाम पर वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो अभी और देखते हैं, वैसे एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ भीड़ बहुत है, लोग बाग मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं कि बच्चा क्या देखते जा रहा है, क्या बात करते जा रहा है फोन पर कैमरा खोल कर। यहाँ हूँ मैं सामने मार्केट से, मैं इधर मतलब यूनिवर्सिटी के सामने है, देखता हूँ यहाँ कुछ समझ आता था खाता हूँ, नहीं तो फिर वापस चलते हैं वहीं। बहुत ज़्यादा क्राउडेड है सीरियसली यार, मैं ऐसे ज़्यादा क्राउडेड है क्या, ज़्यादा नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैं क्या था अभी कुछ खाने में सोचा कुछ खा गया हूँ, वैसे लाइट एक्सपोजर हाँ यहाँ से है, मैं सोचा कुछ खा गया हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड देख के मैं वापस लौट आया। लेट्स क्या कहें अभी यहाँ पर है कुछ ये ओके तो यहाँ पर सामने अभी देख रहे हो ये है यहाँ का कोई ऑडिटोरियम टाइप का। खैर सही है यार, अभी वापस चल रहे हैं डिपार्टमेंट की साइड में, वहीं पर देखते हैं कुछ गाड़ी बैठते हैं, थोड़ा टाइम फोड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं वापस बुलंदशहर। खैर सही है यार, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, काफ़ी बढ़िया रह रहा है, मैं तो आता रहता हूँ क्योंकि पापा के साथ में आना पड़ जाता है मुझे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं बस मैं डिपार्टमेंट बैठ रहता हूँ, आज मैं पहली बार निकला हूँ घूमने घामने को, देख रहा हूँ। सीट भाई मतलब सीट भी ऐसी है भयंकर, समझ रहे हो ना, सीट स्पेशल सीट। तो खैर ये देखो कितना बढ़िया है यार,
काफी लंबा चौड़ा स्पेशियस ग्राउंड है यहाँ। ज्यादा मैं बाहर कुछ खाने, लेकिन बाहर गया वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी, और भीड़ वाली जगह जैसे कि आपको पता है मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं ऐसी बगिया वहाँ से घूम घाम के और वापस इधर ही आ गया। घूमते घूमते मैंने कुछ और अच्छी जगह चीज़ आपको दिखा दूँ, कोई अच्छी जगह आपको दिखाता हूँ, तो वहीं मैं कुछ यहाँ पर आके खैर अभी ट्राई करते हैं स्टेडियम में, अगर जा सकते हैं स्टेडियम में घूम घाम के आ जाता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ क्या है सीन और आपको भी दिखाता हूँ। तो चलो भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन। वाह, मतलब यहाँ पे हुआ है लाइक गेम्स वगैरह जो हुए हैं उनके रिजल्ट्स वगैरह सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया। अभी मैं खड़ा था जब मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी, वाह कि यहाँ पर सीरियसली एशियन गेम्स हुए थे भाई, बढ़िया है यार सीरियसली। ये चीज़ अभी मैंने देखी लाइक बहुत ही बढ़िया, कितनी अच्छी फैसिलिटी है यार यहाँ सीरियसली। इन पूरे गद्दे पड़े हुए मोटे वाले, वाह सुपर यार, मज़ा आ गया देख के। मैंने वैसे हमेशा बाहर से ही देखा था, अंदर नहीं आया था मैं कभी। यो भाई बढ़िया, बहुत ही शानदार। यहाँ पर ये मेडल्स रखे हुए हैं, यहाँ पर मेडल एंड जो ट्रॉफीज़ वगैरह आप तक तो सब लोग जीते हैं यहाँ पर मिली है सबको, रनर अप फ्री स्टाइल, वाओ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वैसे जिन भाई को नहीं पता, मैं भी स्पोर्ट्स में खेलता था, लाइक मैं खेलता था टाइकॉन्डो एंड कराटे, जूडो वगैरह। जूडो में मेरा कुछ साथ नहीं चला, मैं खूब पिटा हूँ, लाइक मेरठ में ही काफ़ी बार आया मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलने, तो वहाँ पर मेरी कुटाई लगी बढ़िया बाजी। लेकिन मैंने खेला कराटे और स्पेशल मार्शल आर्ट्स, तो उसमें मैं नेशनल लेवल तक खेला, लेकिन घर पे पढ़ाई की वजह से जूते पड़े एंड इसलिए मुझे सब अपना स्पोर्ट भी छोड़ना पड़ा। तो मुझे इस सब का थोड़ा बहुत आइडिया है, लाइक यहाँ पर जो गद्दे दिख रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया लेवल के हैं, एंड जब नेशनल्स टूर्नामेंट होते हैं तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का वहाँ एटमोसफियर होता है। लाइक अगर आपको पता हो तो तालकटोरा स्टेडियम है दिल्ली में, तो वहाँ पर भी मैंने मैचेस खेले हैं, एंड मेरे हिसाब से आप अगर मैं बताऊँ तो यार अराउंड अंटर डिस्ट्रिक्ट का तो मुझे याद नहीं है मैंने कितने, मुझे कितने सारे मेडल मिले हैं ये कितने, मैं कभी किसी ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगा, बट हाँ नेशनल्स में मुझे एक बार मिला था सिल्वर, एंड उसके बाद मौका नहीं लगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट ही खेलते रहे, फिर घर वालों ने बंद करवा दिया। तो खैर बड़ा अच्छा लगा है यहाँ जाके, तो पुरानी कुछ यादें ताज़ा हो गई, जबकि खाते थे लाग पड़ती थी नीचे गिरते थे, फिर काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ उसमें घूम के। एंड खैर अभी वापस ऊपर चल रहे हैं या गाड़ी में बैठते हैं, फिर आगे बात करते हैं आप।